हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लिप। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर पोस्टपेड का बिल नहीं भरा तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, क्या आपका भी पोस्टपेड का बिल कुछ इस प्रकार है? फ्रेंड्स, यहां पर मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप इस बिल को पे करने से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में जानते हैं कि अगर पोस्टपेड प्लान का बिल नहीं भरा तो हमारे साथ कंपनी वाले क्या क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कंपनी के कस्टमर केयर आपके फ़ोन पर दिन में 1 से 2 बार कॉल कर दे। कॉल करने के बाद गाइज, ये लोग आपको बिल पे करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर गाइज, आप जब तक नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा बिल पे हो जाएगा, तब तक गाइज यहाँ पर आपको कॉल करते रहेंगे ये लोग। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप झूठ बोलते हैं कि मैं आपका बिल पे कर दे रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी आप बिल नहीं पे करते हैं, देन अगले दिन फ्रेंड्स ये लोग अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर से आपको बिल पे करने के लिए कहेंगे। यह सिलसिला फ्रेंड्स आपको 2 या 2.5 महीने तक चलता रहेगा। देन फ्रेंड्स, आपका सिम का यहाँ पर सर्विस स्टॉप कर दिया जाएगा। देन फ्रेंड्स, इस सिम से आप किसी भी रिलेटिव से बात नहीं कर सकते हैं, नहीं उधर से आपके सिम पर कोई कॉल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आगे मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि देखिए गाइज, पहला है, क्या कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर होगा? इसका आंसर है गाइज, नहीं, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज कि क्या सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट करेगा ये? तो इसका भी आंसर है गाइज, नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट यह बात है गाइज कि कोई फेक एजेंसी के लोग आपके ऊपर कॉल करेंगे और कहेंगे गाइज कि मैं लॉयर बोल रहा हूँ हाई कोर्ट से, आप अपना बिल पे कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर केस लड़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ गाइज, आपको इस सबसे डरना नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट यह बात है गाइज कि आपका सर्विस कनेक्टिविटी क्लोज कर दिया जाएगा, समझे तो गाइज एक तरह से सिम को बंद कर दिया जाएगा। आप अपना सिम तोड़कर फेंकने की मत सोचिएगा गाइज, क्योंकि अगर आपका कोई दूसरा भी सिम है गाइज आपके नाम से, तो कस्टमर केयर वाले लोग उस पर भी कॉल कर बिल पे करने के लिए कहेंगे। अगर आप चाहते हैं गाइज कि कस्टमर केयर आपके दूसरे वाले सिम पे कॉल नहीं करे, सिंपली गाइज आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में आ जाना है। आने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइज। देन गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट अल्टरनेटिव नंबर, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज, जो आपका दूसरा नंबर था जिस पे आपका कॉल आता, तो वो यहाँ शो करने लगेगा। इसको हटाने के लिए गाइज नीचे आपको 10 डिजिट का फेक नंबर इंटर कर सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइज आपके नाम से जो दूसरा फ़ोन नंबर है वो यहाँ से हट जाएगा। देन गाइज कस्टमर केयर इस वाले नंबर पे कॉल करके कभी भी नहीं परेशान करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज कि अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं अपने पोस्टपेड प्लान को, तो आप कुछ भी कर लीजिए गाइज, बिना बिल पे किए आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे चैनलों में आपको बताया गाइज कि फ्री में डीएक्टिवेट करें, लेकिन गाइज सब वो फेक रहता है। अगर आप पोस्टपेड प्लान को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सिंपली एयरटेल थैंक्स ऐप में आ जाना है गाइज। देन यहाँ पर देखना है गाइज, एक ऑप्शन मिल जाएगा पॉज प्लान का, सिंपली आपको गाइज उस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर एक्सेप्ट कस्टडी का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लेना है। देन गाइज यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर बिल भर कर आप अपने पोस्टपेड प्लान को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक।